नए सत्र में हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टाइल्स हार्डवेयर महंगे, कारण जीएसटी की दरों में बदलाव। 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में भारी बदलाव किए हैं। पूर्व घोषणा के अनुसार टीवी सेट, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉस्मेटिक सामानों में सरकार ने जीएसटी की दरों में भारी बदलाव की घोषणा की थी, जिसका सीधा असर इन वस्तुओं में पड़ने वाला था। हम आपको बता दें कि नई जीएसटी दरों से घर में लगने वाली टाइल्स में 5% का इजाफा हो जाएगा। फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन तो महंगे होंगे ही। हम आपको बता दें कि इन सामानों पर कस्टम ड्यूटी नहीं थी। वहीं अलग अलग सामानों पर दर 3 से 7% उपकर बढ़ने वाला है और इसका असर आप पर पड़ना तय है। वहीं हम आपको बता दें, अप्रैल माह में चमड़े से बनी वस्तुएं सस्ती होने वाली हैं। वहीं घर खरीदने वालों को होम लोन पर ब्याज में छूट मिल सकती है। इसका सीधा असर ये है कि घर खरीदना हुआ सस्ता। वहीं हम आपको बता दें, कारों के पुर्जे, मोटरसाइकिल, ऑटो पार्ट्स में से 7.5 से बढ़कर 15% होने से इनके दाम भी बढ़ेंगे। एक की दुकान डाला हूँ, जीएसटी के कारण इलेक्ट्रॉनिक का पूरा सामान आज से महंगा हो गया है, जैसे फ्रिज, टीवी, मोबाइल। जैसा कि आपको इस वर्ष के वित्त बजट के बारे में हम बताना चाहते हैं कि कुछ सामान महंगे हुए हैं और कुछ सस्ते हुए हैं। महंगे में जैसे कार महंगी हुई है, मोटरसाइकिल महंगी हुई है और इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हुए हैं, और आपका ये मेकअप का सामान महंगा हुआ है। सस्ता में चमड़े का सामान जो है सस्ता हुआ है और काजू सस्ता हुआ है। जैसा कि इस वित्त बजट में सब कुछ ही महंगा हुआ है, सिर्फ काजू सस्ता हुआ है, चमड़े का सामान सस्ता हुआ है, उसके सस्ता होने से कोई फायदा नहीं। ये बजट पूरी तरीके से कुछ फैमिली को देख के बनाया गया है। कहें कि काजू सस्ता होना और चमड़े की वस्तुएं सस्ता होने से मध्यम वर्गीय परिवार का काम चलने वाला नहीं है। यहाँ रोज़मर्रा की वस्तुएं महंगी हुई है, फ्रिज, कूलर, शादी विवाह का सीजन है, इस सीजन में पिता अपनी बेटी को देने के लिए सामान खरीदता है, वो सब महंगे हो गए हैं। काजू व्यक्ति कितना खरीदता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के एवज में अगर निकाला जाए पूरे उसके जीवन काल में, तो बच्चे पैदा होते हैं या कि कोई बड़ा फंक्शन होता है तो काजू खरीदता है। मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने पूरे उम्र में 10 से 15 किलो काजू में उसकी पूरी उम्र गुजर जाती है। तो काजू तो मेरे हिसाब से मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नहीं है। ये जो पूरा बजट है वो वैश्य समाज के लिए है और बनियावादी इस बजट को माना जा सकता है।